हे गाइस, वेलकम बैक चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और अस्तर वाले पैंट की कटिंग कैसे की जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूं, तो वीडियो पे आप बने रहें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की और वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज है या किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवानी है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के टॉपिक का नाम और साइज वगैरह आप शेयर कर देंगे तो मैं आपके अकॉर्डिंग पीस कट करके आपको अपडेट कर दूंगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको अस्तर वाली पैंट कट करके दिखाता हूँ। पहले मैं आपको अस्तर में कट करके दिखाने वाला हूँ, देन उसके बाद मैं आपको कॉपी करके मेन में निकाल के दिखाऊंगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक सीधा निशान लगाएंगे। ये हमारे मोहरी का फोल्ड हो जाएगा। पैंट की लंबाई हमें 37 देनी है, तो ऐसे हम 37 इंच रखेंगे मोहरी पे ऐसे। और यहाँ पे जो है हमें 7 इंच की बेल्ट देनी होती है, तो मैं 1/4 इंच पे निशान लगाऊंगा। ठीक है, आधा इंच का मार्जिन लेके 7 इंच की बेल्ट बढ़ती भी लग जाएगी। ठीक है, और आसन का जो डाउन होता है उसको हम 10 दे देंगे। 37 लंबाई है, 37 का आधा 18.5, 1 इंच और ऐड करके हम घुटना रख देंगे। ठीक है, 10 इंच ऊपर हम रख लेंगे पिंडली। अब इन सारे निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले थाइज रखनी है। तो थाइज जैसे कि 20 इंच है इसमें, तो 20 का आधा 10 इंच हो जाएगा। जैसे हम 10 इंच रख लेंगे और उसके बीच में हम 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और ये हम सेंटर जो है, ये जो सेंटर है, इसे हम सब जगह कॉपी कर लेंगे ताकि हमें प्रेस की क्रीज बनाने में आसानी रहे, इस तरीके से। ठीक है, मोहरी हमें 12.5 देनी है, तो आगे का पल्ला हम 5 इंच रखेंगे। घुटना 14 है, तो आगे का पल्ला हम 6 इंच रखेंगे। ये चीज 16 है, सॉरी, पिंडली 14 थी, घुटना 16 है। घुटना 16 है तो हम इसको आगे वाले पल्ले को 7 इंच रखेंगे। इतना काम करने के बाद हम शेप पट्टी से शेप बनाएंगे इस तरीके से। ये सेम स्केल उठा के ऐसे रख लेंगे वापस। इस तरीके से उसके बाद हम जो है 1.5 इंची अंदर सीधा निशान लगाएंगे, आसन की गोलाई दे देंगे। साइज छोटा है तो इसलिए हमने जो है इसका जो सीधा मार्क किया है वो 7 इंच पे कर लिया है। अगर यही साइज बड़ा होता तो मैं इसको जो है 1.5 से 2 इंच पे कर देता। ठीक है, कमर 32 है तो 8 चौक 32 और 1 इंच की डॉट आ जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इस निशान को इस निशान में ऐसे मैच कर देना है ऐसे, इस तरीके से। और यहाँ पे हमें 1/4 इंच डाउन दे देना है आसन को। ठीक है, इसके सामने हम एक ये डॉट का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हम साइड से 1/2 इंच कट कर लेंगे मार्जिन से। जो सिलने के लिए मार्जिन चाहिए होगा 1/2 इंच का चाहिए होगा। यहाँ पे हम 1/4 इंच रख लेंगे, बाकी हम निशान पे कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आपको ये चटके पे, लेंथ पे चटका लगा लेना है और थाइस पे चटका लगा लेना है और ये डॉट पे चटका लगा लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो है हर चीज़ मैच करने के लिए आसानी रहेगी। ठीक है, अब आगे का पल्ला कट गया है, अब मैं आपको पीछे का पल्ला कट करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से हम बिछाएंगे वापस, इस तरीके से। अब ये देखिए, जैसे यहाँ पे 6.5 है तो हमारा यहाँ पे भी 6.5 होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे इस तरीके से बिछा लेंगे इस तरीके से, ताकि हमारा जो पैंट का सेंटर है वो आउट ना हो। ठीक, उसके बाद सबसे पहले हम इस निशान को सीधा कंटिन्यू करेंगे ऐसे। इस तरीके से, ठीक है। थाइज हमारी 20 थी तो 2 इंच की हम लूजिंग देंगे, तो 22 इंच रेडी करेंगे। तो इस तरीके से हम ऐसे 22 इंच बढ़ा के निशान लगा लेंगे। ठीक है, उसके नीचे हमें 16 इंच देना है, तो हम 16 पे ऐसे रोक लेंगे। उसके बाद हमें 14 देना है, तो हम ऐसे 14 पे रोक लेंगे। उसके बाद 12.5 है देना है, तो हम 12.5 पे रोक लेंगे। गैस, लूजिंग सिर्फ हमें थाइस पे देनी होती है, तो हमें जो भी लूजिंग देनी है थाइस पे देनी है। उसके बाद जो भी आपका साइज आया है
उस साइज को कॉपी कर लेना है, ठीक है। और इस तरीके से सारे निशान मिलाते हुए हमें स्केल की मदद से हमें मार्क कर लेना है। अभी आप देखिए हमारे सारे निशान मैच कर रहे हैं। उसके बाद बैक साइड में हम अप कर देंगे, आगे हमने डाउन किया था, पीछे वाले पल्ले में हम अप कर देंगे। हिप इन की 34 है, 34 में 6 इंच की लूजिंग डाल दीजिए तो 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऐसे निशान लगा लेंगे और इसको जो है हम ऐसे थोड़ा तिरछा करके निशान लगा देंगे, ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। और इस आसन को हम ऐसे गोल चढ़ा लगा देंगे निशान इस तरीके से। तब आप देख सकते हैं हमारे आगे पीछे के दोनों पल्ले की मार्किंग हो गई। आगे का पल्ला मैंने कट कर लिया है और पीछे वाले पल्ले को मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। इस साइड में तो हम बिल्कुल सेम कट करेंगे बराबर से, और जो गिदरी साइड है उधर हम सेम, जो भी हमने 7 इंच का मार्जिन लिया है, हम पीछे वाले पल्ले में भी 7 इंच का मार्जिन लेंगे। इस तरीके से देखिए मैंने पूरा पीस कट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, एक ये चटका लगाना है, इधर भी चटका लगा लेना है। ये हमें सिलते टाइम बहुत मदद करेगा। तो अगर आपको स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको स्टिचिंग वाली वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा, अस्तर वाली पैंट कैसे बनाई जाएगी और बहुत ईजी तरीका बताऊंगा। तो अगर कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको मेन निकाल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये हमारे पास सेंटून है, इसी में से हमें जो है पैंट बनानी है। अब आप देख सकते हैं हमने पल्ला बिछा लिया है। एक पल्ला हम पहले कट करेंगे, देन उसके बाद जो कपड़ा बचेगा दूसरा पल्ला हम फिर कट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमने कपड़े को बिछाना है इस तरीके से। तो इस तरीके से देखिए गैस, मैंने बिल्कुल सेम कॉपी की है, लाइनिंग भी और मेन भी दोनों सेम बराबर कट किए हैं। इससे क्या होगा कि हमें जब हम मशीन पर जाएंगे तो हमें कच्चा करने में आसानी रहेगी। हमारे सारे पीस ऑटोमेटिक मैच कटे हुए हैं तो हमें कच्चा करने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। और कट करने के बाद जैसे मैंने चटका लगाया ऐसे आप चटका लगा दें, उससे क्या होगा कि कच्चा करने में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी और कच्चा करने में आसानी रहेगी, ठीक है। अभी हमने जो है बैक पल्ला निकाल लिया है, अब हमें फ्रंट पल्ला निकालना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने वापस बिछाया है, पहले मैंने थाइस इधर रखी थी, अब हमने जो है थाइस इधर रखनी है इस तरीके से। तो हमारा क्या होगा कि वेस्टेज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कॉपी कर लेना है और इसको हम सेम कट कर लेंगे। इस तरीके से देखिए मैंने गैस बिल्कुल सेम कॉपी कर लिए हैं और इस तरीके से हम वापस चटका भी लगा लेंगे, ठीक है। मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया है किस लिए क्या किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवानी है तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। और उम्मीद करता हूँ चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी अच्छे कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।